This is the first password. This is second, third, fourth, fifth, and this is the 100th password got hacked by me. और इन सब पासवर्ड्स को हैक करना इजी है क्योंकि हम सब एक कॉमन मिस्टेक करते हैं. हम मतलब मैं, तुम और सब जिन्हें तुम जानते हो. बट मुझे एक सोल्यूशन मिला है जिसके बाद इट विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू हैक पासवर्ड्स. एंड बाय द वे, इस वीडियो में आपके लिए एक क्रेजी गिव अवे भी है. अब जो मेजर रीज़न है जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ, हमें लगता है ये 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 पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है. बट और सही भी है क्योंकि हम है तो इंसान ही, हमारे पास अकाउंट्स बहुत कम जो होते हैं. और सबके लिए स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड क्रिएट करके याद रखना मुश्किल है. तो इसे फिक्स करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक पासवर्ड मैनेजर. हाँ, मुझे पता है पासवर्ड मैनेजर भी हैक होता है, बट डोंट वरी, उसका भी सलूशन दूंगा. पासवर्ड मैनेजर हमें कुछ इस टाइप का पासवर्ड जनरेट करके देगा और उसे रिमेम्बर भी खुद ही रखेगा. अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से पासवर्ड को हैक करना ईजी है. पासवर्ड मैनेजर बेसिकली एक सर्वर पे होस्टेड होता है और ये सर्वर आपका लोकल सर्वर भी हो सकता है या फिर क्लाउड होस्टेड भी. हम इसमें अपने सभी पासवर्ड को स्टोर करके रखते हैं और एज ऑन क्लाइंट साइड हमारे पास एक मास्टर पासवर्ड होता है जिससे हम उन सभी पासवर्ड्स को इस मास्टर पासवर्ड की मदद से एक्सेस कर सकते हैं. अब हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो रिमेम्बर कर ही सकते हैं और ये काफ़ी सही भी है, इंस्टेड कि हम सभी अकाउंट्स के लिए अलग अलग यूनिक और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड याद रखें. अब इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि पासवर्ड मैनेजर कौन सा यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है, सेल्फ होस्टेड या क्लाउड होस्टेड. और ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो पासवर्ड मैनेजर कितना सिक्योर है और ट्रस्टेड है. सेल्फ या क्लाउड ये आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है. अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप, रेसबेरी पाई या कोई सर्वर है तो नो डाउट आप उसे यूज़ कर सकते हो होस्टिंग करने के लिए. एज वो आपके सेल्फ सर्वर पर होस्टेड होगा, देर इज़ नो चांस दैट समवन कैन एक्सेस इट आउटसाइड ऑफ योर लोकल सर्वर अनलेस यू सेल्फ डू इट. सेकेंड ऑप्शन इज क्लाउड. इट इज़ ऑल्सो सिक्योर, जस्ट आपको एक ट्रस्टेड और सिक्योर पासवर्ड मैनेजर चूज करना है. बट उसके लिए तो आगे वीडियो में आई हैव अ गिव अवे फॉर यू. अब आप कोई भी ऑप्शन चूज करो, द बेस्ट इज पास की. दे आर कम्प्लीटली 100% ओपन सोर्स दैट कैन बी सेल्फ होस्टेड और यू कैन यूज द सर्वर्स फॉर फ्री टू स्टोरिंग अप टू 100 ऑफ योर पासवर्ड्स. एंड एज ए नॉर्मल यूजर 100 इज मोर देन इनफ. बट स्टिल अगर ज़्यादा चाहिए तो आई हैव समथिंग फॉर यू लेटर इन द वीडियो. तो आपको बस इस वेबसाइट पे आ जाना है और साइन अप पे क्लिक करके साइन अप कर लेना है. और डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ रहते हो, सर्वर को सेलेक्ट कर सकते हो. और मेक श्योर दैट दिस पासवर्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये आपका मास्टर पासवर्ड है और आपको सिर्फ ये एक पासवर्ड रिमेम्बर करना है, बाकी पासवर्ड्स वो खुद रिमेम्बर कर लेगा. आगे मैं बताऊंगा कि आप इसे और सिक्योर कैसे बना सकते हो. अभी के लिए साइन अप पे क्लिक कर दो और फिर अपने यूजर नेम और पासवर्ड से साइन इन कर लो. अब ऐड पासवर्ड पे क्लिक करके जिस वेबसाइट के लिए आप ये पासवर्ड स्टोर कर रहे हो वो वेबसाइट यूजर नेम और पासवर्ड को ऐड कर दो. एंड ये पासवर्ड पासकी के ऑफिशियल सर्वर पे होस्टेड होंगे. बट अगर आप सेल्फ होस्ट करना चाहते हो तो आगे वो भी बताऊंगा. अब हमने ये पासवर्ड्स ऐड कर दिया है तो इससे लॉगिन करने के लिए आप पासकी ब्राउजर एक्सटेंशन या एप्स का यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हो. अभी के लिए मैं फायरफॉक्स ब्राउजर का यूज़ कर रहा हूँ. तो फायरफॉक्स एडवांस में जाके पासकी सर्च करके पासकी एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लूँगा. फिर इस एक्सटेंशन आइकन पर क्लिक करके पासकी एक्सटेंशन को सेलेक्ट कर लेना, फिर अपने यूजर नेम और पासवर्ड से साइन इन कर देना. अब लॉगिन करने के लिए आपको बस एक्सटेंशन में जाके वेबसाइट नेम या आइकन पे क्लिक कर देना है और बस ये यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑटोफिल कर देगा. और अगर आप गूगल में लॉगिन कर रहे हो तो गूगल यूजर नेम और पासवर्ड डिफरेंट डिफरेंट आस्क करता है, तो आपको कुछ नहीं बस दो बार क्लिक करना होगा, एक बार यूजर नेम फिल करो या दूसरी बार पासवर्ड.
अब इसे और सिक्योर बनाने के लिए हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एनेबल करेंगे। तो आप फिर से इस वेबसाइट पर जाके सेटिंग में जाके आप इसमें आइकन्स भी एनेबल कर सकते हो। और अगर आपके पास यूबी की जो एक हार्डवेयर सिक्योरिटी की है उसे भी यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल कर देना। अब हमारे पास इनमें से कोई एक ऐप होना चाहिए। मैं यहाँ पे गूगल ऑथ का यूज़ करूँगा, तो गूगल ऑथ डाउनलोड करके ओपन कर लेना। अगर साइन इन करना है तो कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं विदाउट साइन इन यूज़ करूँगा। यहाँ इस आइकन पे क्लिक करके स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक कर देना। अब वेबसाइट पे जाके ओके करके गूगल ऑथ से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर दो। अब आप जब अपने मास्टर पासवर्ड से साइन इन करोगे तो आपको ये ओटीपी भी एंटर करना होगा लॉगिन करने के लिए। एंड दिस टेक सिक्योरिटी टू द नेक्स्ट लेवल। और ये ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड है, तो जितने बार आप पासवर्ड को क्लोज और ओपन करोगे ये ओटीपी चेंज होता रहता है। अब पास की फ्री में आपको अप टू 100 पासवर्ड स्टोर करने देता है, विच इज़ मोर देन इनफ। अगर आपको और भी चाहिए तो आप प्रीमियम प्लान बाय कर सकते हो जो सिर्फ $2 पर मंथ है। और अगर आप बाय कर रहे हो तो कोड टेक्निकल वॉट यूज़ कर लेना टू गेट 10% ऑफ। बट वेट, आई हैव समथिंग फॉर यू। आई इन कोलेबोरेशन विथ पासकी गिविंग अवे दिस प्रीमियम प्लान वर्थ $24 पर प्रीमियम प्लान फॉर फ्री टू नॉट वन नॉट टू नॉट थ्री नॉट फोर नॉट फाइव बट टू 26 ऑफ यू विच यू कैन यूज फॉर नेक्स्ट 12 months। यूज लिंक इन डिस्क्रिप्शन टू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे। आप पासकी एंड्रॉयड ऐप का यूज करके ये पासवर्ड अपने फोन में भी एक्सेस कर सकते हो। ऐप ओपन करके सर्वर से लॉग इन कर लेना और अब आप अपने पासवर्ड्स यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। लॉग इन करने के लिए यहाँ से यूजर नेम पासवर्ड कॉपी कर सकते हो। ऑफकोर्स ये फ्यूचर में ऑटोफिल भी हो जाएगा। अब सेल्फ होस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे Ubuntu 22.04 का यूज़ कर रहा हूँ। ऑफिशियली 22.04 और Debian 11 सपोर्टेड है। अब अपने फेवरेट ब्राउजर को ओपन करके इस पेज पे आ जाना और ये कमांड कॉपी कर लेना, फिर टर्मिनल ओपन करके एग्जीक्यूट कर देना। ये कमांड डॉकर और डॉकर कंपोज को इंस्टॉल करके उसे ऑन बूट एनेबल कर देगा। अब फिर से इस पेज पे जाके इस कमांड को कॉपी कर लेना और टर्मिनल में एग्जीक्यूट कर देना। अब यहाँ पे आपको अपना एडमिन यूजर नेम क्रिएट करना है और एंटर प्रेस कर लेना है। अब एडमिन पासवर्ड भी क्रिएट कर लेना, अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेना। अब ये लिमिट सेट करने के लिए पूछ रहा है, बट हमें अनलिमिटेड चाहिए तो बस -1 एंटर करके एंटर कर दो। अगेन लिमिट फॉर प्रीमियम अकाउंट्स तो बस -1 सेट कर देना, वंस अगेन -1। अब डेटाबेस में SQLite को एंटर कर देना। अब डेटाबेस फाइल को कोई भी नाम दे दो। अब अगर आपको मेल सेटअप करना है तो यस कर दो, नहीं तो नो। अब हम इसे सेल्फ होस्ट कर रहे हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट सर्वर का एक्सेस होगा, तो नो कर सकते हो, अगेन नो और बस। और ये ऑटोमेटिकली सब सेटअप कर देगा। सेटअप के बाद ब्राउज़र में जाके अपने आईपी एड्रेस लोकल होस्ट अगर आप सेम पीसी में कर रहे हो तो :8080 पे जाना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था उससे लॉगिन कर देना। अब इस सर्वर को यूज़ करने के लिए बस इस टॉगल बटन पर क्लिक करना और यहाँ पे अपने लोकल सर्वर का URL एंटर कर देना। बाकी प्रोसेस सेम रहेगी। ऑल्सो रिमेंबर दैट हम इस लोकल सर्वर को पासकी एंड्रॉयड ऐप से या वेबसाइट से एक्सेस नहीं कर सकते, एज ये वेबसाइट और ऐप HTTPS प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं और हमने सर्वर सेटअप HTTP में किया है। अब इंस्टेड कि हम HTTPS को एनेबल करें, हम इस वेबसाइट को ही लोकल सर्वर पे होस्ट कर सकते हैं विद जस्ट वन कमांड। सो फिर से इस पेज पे आके वेबसाइट सेक्शन में जाके इस कमांड को कॉपी कर लेना, फिर टर्मिनल में पासकी सर्वर डायरेक्टरी से बाहर आके एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे टू होस्ट अवर वेबसाइट। अब उस डायरेक्टरी में जाके कमांड को पेस्ट कर देंगे और डॉकर के पहले sudo लगा देना, एज हम इसे लोकल यूजर से कर रहे हैं। बस अब इसे आप
आईपी एड्रेस कोलन 8081 से एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम एनी ऑफ योर डिवाइस। होप यू एंजॉय द वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर।